गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2019 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताऊंगा। इस एग्ज़ाम क्या क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है और किसकी कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ जुड़ें और इस वीडियो को पूरी पेशेंस के साथ थोड़ी देर देखें, फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें या इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों की ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी अच्छी करवा दूंगा और मोर देन 70% क्वेश्चन आप खुद ही करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक पहला वीडियो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के लिए डाल रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को उसके सिलेबस के बारे में क्या क्या चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या सवाल आएगा, कितने नंबर का आएगा, ये सारी बात बता दूँ। ये एग्ज़ाम जो है इसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी टोटल आपके जो है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 100 क्वेश्चन आएंगे और निगेटिव जो है 1/3 मार्क्स होंगे, मतलब कि जो निगेटिव का वेटेज है वो 1/3 है। अब आया टाइम ड्यूरेशन, यानी ये एग्ज़ाम का जो है टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, यानी ये एग्ज़ाम जो होगा ना जो टोटली 2 घंटे का, यानी 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आया क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो किस लेवल का होगा एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो है 10+2 लेवल का होगा, ठीक है, ये 10+2 स्टैंडर्ड का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद आया क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज, यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा आप लोगों का वो किस किस लैंग्वेज होगा, तो ये बाई लैंग्वेज होगा, यानी 2 लैंग्वेज होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन हो सकता है और अंग्रेजी में हो सकता है, आप अपने चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में देना। अब आया है इस एग्जाम्स में जो है वो पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि पार्ट फर्स्ट में, यानी पेपर फर्स्ट कहिए या पार्ट फर्स्ट कहिए, उसमें जो है आपका जीएस रहेगा, ठीक है, फर्स्ट, ये आपके टोटल जो है 120 मार्क्स होंगे, यानी जीएस फर्स्ट जो होंगे ना वो टोटल आपके जो होंगे 120 मार्क्स होंगे, 120 मार्क्स के, ठीक है। अब 120 मार्क्स में क्या रहेंगे आपको मैं वो बता दूँ, पहला तो रहेगा आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज मैंने बता दिया कि 4 मार्क्स होंगे, यानी टोटल आपके 24 मार्क्स की हिस्ट्री होंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, यानी आप पॉलिटी का ये जो पॉलिटी है वो आपके 24 मार्क्स से होंगे। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र भी आपके 24 मार्क्स के होंगे, जिसमें ज्योग्राफी है वो अलग से, वो भी 24 मार्क्स से होंगे। करंट अफेयर्स जो आपके होंगे, करंट अफेयर होंगे 24 मार्क्स के, यानी टोटल 120 मार्क्स का आपका क्या होगा, पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। अब आया है पार्ट टू में, देखिए पार्ट टू में टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी आपके 100 मार्क्स होंगे। इसमें क्या क्या होगा, इसमें बेसिक नंबर सिस्टम रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा और मेंटल एबिलिटी होगा, ये 3 चीज़ होगा आपके किसमें, आपके पार्ट टू में। अब मैं आपको बता दूँ पार्ट थ्री के बारे में, पार्ट थ्री में क्या है, आप जनरल साइंस होंगे, ठीक है, जनरल साइंस, जनरल साइंस में थोड़ा चेंजिंग ये है कि ये जो साइंस रहेगा वो आपको 10+2 लेवल का नहीं, ये मैट्रिक लेवल का होगा। इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 80 मार्क्स होंगे, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड यानी पर्यावरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके 20 मार्क्स होंगे और इससे भी आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे, ठीक है, ये पार्ट थ्री। लास्ट में है पार्ट फोर, और पार्ट फोर में क्या करना है, पार्ट फोर में आपके जो है हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी हिंदी लैंग्वेज, हिंदी से जो है जैसे कंप्रीहेंसिव हो जाएंगे, पैसेजेस होंगे, वोकेबलरी हो जाएंगे और हिंदी ग्रामर होंगे, ये टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो 80 मार्क्स यानी 80 मार्क्स, यानी फाइनली जो टोटल देखा जाए ना, ये जो एग्ज़ाम होंगे, ये टोटल आपके जो एग्ज़ाम है ये आपके एग्ज़ाम होंगे 800 मार्क्स, यानी 800 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम होंगे। अब मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस एग्ज़ाम का मोर देन 70% क्वेश्चन आप करके आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज चूंकि पहला वीडियो है तो मैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, बिहार से रिलेटेड, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का जो करंट है उस करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए पहला, सबसे पहला जो है आपको ये देखना है बिहार का शुरुआत कहाँ से हुआ। सबसे पहले है कि बिहार राज्य की स्थापना, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई, ठीक है। इसके लिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया कि 22 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, या क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि ये बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बिहार राज्य स्थापना दिवस, तो ये जो है 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बार बिहार का जो
विघटन हुआ, बिहार एक अलग राज्य के रूप में आया सामने, वो आया 1 अप्रैल 1936 को, यानी 1 अप्रैल 1936 को है वो बिहार जो है उड़ीसा से भी क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब ये है कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, यानी उस वक्त बिहार और बंगाल एक ही प्रांत में हुआ करता, तो 22 मार्च को जो है बंगाल से बिहार अलग हो गया, और 1 अप्रैल 1936 को फाइनली बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ, या बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो वो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। ठीक है, अब आया बिहार की राजधानी, आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो है वो क्या है, पटना है, पटना बिहार की राजधानी हुई। और बिहार में कुल जिला, यानी बिहार में टोटल कितने जिले हैं, तो बिहार में जिलों की संख्या जो है वो है 38, बिहार में 38 जिले हैं। और अभी कुछ दिन पहले विधान परिषद वाला एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बिहार में जिला परिषद यानी कितने जिला परिषद है, जिला परिषदों की संख्या बताइए, तो बिहार में टोटल 38 जिले, याद रखना बिहार में जिला 38 और जिला परिषद पूछे तो वो भी 38 है। ठीक है, अब बिहार में महानगरों की संख्या पूछे, तो बिहार में महानगरों की संख्या एक है, यानी पटना जो है बस वही एक बिहार का महानगर है। ठीक है, बिहार में प्रमंडल, यानी बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में 9 प्रमंडल है, यानी अगर पूछा जाए बिहार में कितने डिवीजन है, डिवीजन को ही प्रमंडल बोलते हैं, तो बिहार में 9 डिवीजन। और अनुमंडल अगर पूछे कि बिहार में कितने अनुमंडल है, तो बिहार में जो है 101 सब डिवीजन है, यानी 101 जो है अनुमंडल है। अब आया बिहार की राजकीय भाषा, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। ठीक है, हिंदी पहली भाषा है और दूसरी राष्ट्रीय भाषा जो है वो उर्दू है। राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प पूछा जाए, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो है गेंदा। राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल, बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी पूछा जाए, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया, जिसको एस्पैरो भी बोलते हैं, बिहार का राजकीय पशु है वो गौरैया। बिहार का क्षेत्रफल, ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल क्या अगर पूछा जाए, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपको 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, यानी बिहार का जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और देश में स्थान, तो देश में बिहार का स्थान क्या है, तो तेलंगाना बनने के बाद, तेलंगाना बनने के बाद पहले 12वां था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद बिहार का जो है देश में 13वां स्थान है, याद रखिएगा। अब जनसंख्या की दृष्टि से, यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में क्या है, तो पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आता है भारत में, कौन, बिहार, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर। अब बिहार का नक्शा, बिहार का नक्शा कैसा है, तो बिहार का नक्शा जो है थोड़ा इस टाइप से, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि बिहार का नक्शा जो है वो आयताकार है। ठीक है, अब इसको पूछा जाता है कभी कभी बिहार के नक्शे के बारे में कि बिहार जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसकी लंबाई कितना है। ठीक है, या पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम तक बिहार की लंबाई कितना है, तो आप इसको ऐसे बताइए, इसको याद करने का, तो ठीक है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आप क्या करते हैं, उतरते हैं ना, 3 4 5 ऐसे कर दिए, यानी ऊपर से नीचे तक जो बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक। और पूर्व से पश्चिम तक पूछा जाए बिहार की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक ये चौड़ाई पूछा जाए तो ये आपको 483 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया। अब बिहार की सीमाएं पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में कि बिहार की जो सीमाएं हैं, बिहार की जो बाउंड्री है वो किन किन स्टेट से पूछा जाए, या किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, ये पूछा जाता है। तो बिहार पूछा जाता है इस तरह से कि बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के दक्षिण में क्या है, तो याद रखिए बिहार के उत्तर में जो है वो नेपाल है। ठीक है, और बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड है, यानी नॉर्थ में जो है आपका नेपाल हो गया, साउथ में आपके झारखंड हो गया, ईस्ट यानी पूरब में, तो पूरब में क्या है, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है, और बिहार के पश्चिम में, बिहार के पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये चार चीज़ें, यानी आप याद रखिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के दक्षिण में क्या है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है, और
पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब आया बिहार की कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की कुल जनसंख्या आपको को ऐसे याद किए ताकि मोबाइल नंबर के हिसाब से ताकि आसानी से याद हो जाए, 10,40,99,452, यानी 10,40,99,452, यानी ये 10,40,99,452 क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या, ये है बिहार की कुल जनसंख्या। अब जनसंख्या घनत्व यानी बिहार की डेंसिटी क्या है, बिहार की जो जनसंख्या घनत्व वो 1,106 वर्ग किलोमीटर है, यानी 1,11.6 वर्ग किलोमीटर क्या है बिहार के जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या की डेंसिटी। अब पूछा जाए लिंग अनुपात क्या, लिंग अनुपात मतलब कि बिहार में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या क्या है, ये इस बार बीपीएससी के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये है आपका 918/1000 है, 918/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है वो है 918, ठीक है, ये है लिंगानुपात। अब उसके बाद पूछा जाएगा बिहार साक्षरता दर यानी महिला साक्षरता दर बिहार में क्या है, तो महिला साक्षरता दर बिहार में जो है 51.50 है, महिला साक्षरता दर बिहार में 51.50 है। पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर बिहार में कितना है, 71.20 है पुरुष साक्षरता दर। साक्षरता की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, तो साक्षरता की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान 35वां है। टोटल जिला बिहार में कितना, 48, यानी 28 राज्यों में 35वां स्थान रहा है जो बिहार का है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या ये पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले, विधानसभा एग्जाम हुआ था 2018 में, इससे पूछा गया था विधानसभा क्षेत्रों की संख्या, ये भी पूछा गया था, और विधान परिषद की संख्या ये भी पूछा गया था। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में, बिहार में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है वो 243 है, और विधान परिषदों की संख्या कितना था, विधान परिषद जो है वो बिहार में वो 75 है। अब पूछा जाए लोकसभा की सीट कितना है बिहार में, तो लोकसभा का सीट बिहार में जो है वो 40 है, राज्यसभा का सीट बिहार में 16 है, 16 है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला, यानी बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला कौन है बिहार में, तो सबसे छोटा जिला बिहार में शिवहर है। पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है बिहार में पटना में, और सबसे कम जनसंख्या बिहार में कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या अगर पूछा जाए तो आपका जो है शेखपुरा में, याद रखिएगा। सबसे कम जन सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला आपका शेखपुरा है। उसके बाद पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या का डेंसिटी कहाँ है बिहार में, तो वो शिवहर है। कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है बिहार में, जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व बिहार में कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे, वह कैमूर में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप आइए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यानी बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर लोग यानी पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं वो है रोहतास में, कितने परसेंट है, तो 73.3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस आपका, क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है वो बिहार का है, इसलिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान रखिए। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है आपका पूर्णिया है। पूर्णिया में टोटल कितने साक्षर लोग हैं, टोटल 51.08% आपके साक्षर लोग हैं। अब है जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी में बिहार का जो है भारत में कितना स्थान है, तो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से भारत में जो है बिहार का स्थान है वो आपका पहला है, याद रखिएगा कि डेंसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से अगर भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वो बिहार में। इसके बाद आया सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, याद रखिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका जो है वो है किशनगंज, ठीक है, ये भी एक एग्जाम में अभी कुछ हाल ही फिलहाल में पूछा गया। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है आपकी वो है गंडक परियोजना, याद रखिएगा बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है ना। अब आया आपका बिहार में कुल वन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में कुल वन क्षेत्र क्या है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपका 6.65% है, यानी 6,22,000 हेक्टेयर जो है भूमि है बिहार में वो वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, ये आप याद रखिएगा। अब आपको जो है बिहार से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर बता देते, ठीक है, जो आपके हम एग्जाम जो होगा आपका उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, उसके भी वेटेज रहेंगे, तो मैं आपको जो भी टॉपिक कराऊंगा उसमें 5 क्वेश्चन करंट अफेयर बिहार से और 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल से कराते चलाऊंगा, ताकि आपका साथ में करंट अफेयर भी होता चले। इसका पहला क्वेश्चन आपका शुरुआत करते हैं, बिहार के अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, अभी प्रेजेंट डेट में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल जो है वो है लालजी टंडन, अभी जो है बिहार के राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन। इससे पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे, इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जो है अब जो है जम्मू और कश्मीर के क्या बन गए, जम्मू और कश्मीर के गवर्नर बन गए।
ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार जो है वो है आपके, कौन है, मुकेश आर शाह, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार है मुकेश आर शाह जो है, मुकेश आर शाह जो है चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हो गए, मुकेश आर शाह। बिहार में काला जर और टीबी को क्रमशः 2020 और 2022 तक खत्म कर दी जाएगी, यानी बिहार का जो टारगेट है कि बिहार में जो कालाजार और टीबी को कब तक खत्म कर दिया जाएगा, तो 2020 और 2025 तक जो है बिहार में क्या हो जाएगी, कालाजार और टीबी जो है दोनों समाप्त हो जाएगी। इस तरह पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन में कि कालाजार और टीबी को समाप्त करने के लिए बिहार सरकार ने अपना लक्ष्य कब तक का रखा है, तो आप बताइए कि 2020 तक जो है कालाजार के लिए लक्ष्य रखा है और 2025 जो है टीबी के लिए रखा है। अब दूसरा क्वेश्चन, बिहार में मिलने वाले सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो सिलाव नामक स्थान बिहार के किस जिले में, तो ये बताइएगा ये आपका नालंदा जिले में, बिहार में मिलने वाले सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ है, आपका नालंदा जिले में। इससे पहले भी कुछ चीजों को जीआई टैग दिया गया है, जैसे मुजफ्फरपुर के जो शाही लीची है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में बिहार का चयन मार्गदर्शक कैटेगरी में किया गया है, यानी किस कैटेगरी में बिहार का स्टार्टअप रैंकिंग 2018 स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में बिहार का चयन मार्गदर्शक कैटेगरी में किया गया है, ये कितने नंबर पे बिहार का आया है। तो बिहार जो है उसका रैंकिंग अच्छा नहीं, इसमें नंबर वन पे आपका गुजरात आता है और बिहार जो है सिर्फ मार्गदर्शक कैटेगरी में इसका चुनाव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इंटरनेशनल क्वेश्चन है, इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला, शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, कितनी बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना जो है चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है, कौन किस पार्टी से है रिलेटेड, तो शेख हसीना जो है अवामी लीग पार्टी से रिलेटेड है, अवामी लीग पार्टी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की, कौन सा देश है जो चांद पर कपास का बीज अंकुरित करने में सफलता हासिल की, तो वो है चीन, ये याद रखिएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2018 में ग्लिट्समैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाला यूसुफजई जो है जो पाकिस्तान की रहने वाली है, मलाला यूसुफजई उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2018 में ग्लिट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है ना, तो ये हुआ है फिजी में हुआ है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, फिजी में हुआ है, और फिजी कहाँ है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर के मलानेशिया में एक द्वीप है जो फिजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में इंडिया का स्थान क्या है, याद रखिएगा इंडिया का स्थान जो है चौथा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में इंडिया का स्थान क्या चौथा, और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। ठीक है भाइयों, यही मेरा एक पहला वीडियो है बिहार गार्ड इसके लिए, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2019 के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।